हम लोग का और काम वम है नहीं, खाली घूमना खाना यही। तो गाइस अभी सोच रही शाम का क्या करना है, और गाइस ये एक्सपर्ट है गाय दूने में। तो गाइस अभी शाम हो चुकी है। हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी सुबह के लगभग 9 बजे हैं और हम उठ चुके हैं। उठ तो कब का गए थे, 5 बजे, और घूम रहे थे थोड़ा। इसके बाद ये आम तोड़ के लाए, ये बारमसिया आम है, अभी के सीजन में तो काफ़ी रेयर है देखना। तो ये देखिए आम अभी तोड़ के लाए हैं। तो गाइस अभी सोच रही शाम का क्या करना है, मुझे तो लग रहा है इसका चटनी बना के खाने पे अच्छा लगेगा, तो वही सोच रहे हैं चटनी बनाएंगे। और काफ़ी अजीब लग रहा है इस सीज़न में आम मिलना, ये बरमसिया आम है और मिल के तो अजीब लग रहा है और खुशी भी। अभी सबको दिखा रहे थे कि देखो आम देखो, क्योंकि इस सीज़न में आम नहीं मिलता है। और ये बहुत सारा ऐसा पेड़ है जो बरमसिया जो सालों भर मतलब फलता है, बहुत सारा हम सजना का पेड़ भी देखे हैं जिसमें सजना सालों भर होता है, उसी तरह ये आम भी है जो सालों भर होता है। अभी और सारा आम है लेकिन ऊपर था तो तोड़ नहीं पाए, फिर जाएंगे तोड़ने के लिए और उसको थोड़ा काला नमक और मिर्च के साथ खाएंगे, और इसका देखते हैं चटनी बना के खाते हैं और देखते हैं कैसा लगता है। और गाइस अभी गाँव घूम रहे थे तो ये देखिए कुछ लोग यहाँ पर दूध निकाल रहे हैं गाय का। और गाइस ये एक्सपर्ट है गाय दूने में, मतलब गाय दूने के लिए ये स्पेशल हैं, जो गाय दूध नहीं देती है उससे भी ये दूध निकाल लेते हैं। तो गाइस अभी कचरा उठाने वाला ले लिए और टब ले लिए 2 ठो। तो गाइस अभी ये जा रहा है पैसा लेके देने के लिए उसको। दो पैसा दो। गाइस अभी वही आम का चटनी बना रहे हैं, ये मिर्च और आम दे दिए हैं। तो गाइस अभी लगभग दोपहर के 1 बजे हैं, थोड़ा जा रहे हैं, थोड़ा काम है मार्केट में, भाई अभी मार्केट जा रहे हैं। तो गाइस अभी शाम के लगभग 5 बजे हैं और हम लोग निकल चुके हैं घूमने। हम लोग का और काम वम है नहीं, खाली घूमना खाना यही है, यही अपने गांव में घूमते हैं। और घूमने का भी ऐसा जगह है बहुत सारा लेकिन गए नहीं हैं, जाएंगे दिखाएंगे आप लोगों को भी। उधर बाराद्वारी है, जामा मस्जिद है, और कन्हैया स्थान का तो ब्लॉग बनाए हैं, और सारे बहुत सारा है यहाँ घूमने का स्थान। तो प्लानिंग करेंगे जाने का, फिर उधर ब्लॉग व्लॉग बनाने का। तो गाइस आज है मेरे ब्लॉग का दूसरा दिन और अभी अच्छी खासी धूप निकल चुकी है, इसीलिए धूप सेकने के लिए टहल रहे हैं रोड में। थोड़ा ठंड भी बढ़ गया है, कल से कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रहा है, इसलिए नहा धो के अभी धूप सेक रहे रोड में निकल के। तो गाइस अभी हम अपने खेतों में आ चुके हैं, ये रहा मेरा खेत, मतलब छोटा सा है, छोटा सा मतलब थोड़ा बड़ा ही, और इसमें आलू लगाए अभी, उधर प्याज है, उधर लहसुन लगाए हुए हैं, मिर्च है, टमाटर है, सारा लगाए हुए हैं, और इसका पौधा भी हो चुका है। इनके बीचों बीच सरसों भी लगा दिए हैं इसका साग खाने के लिए, मतलब सरसों दी साग, मक्के दी रोटी, और यही है इतना सा लगाए हैं। तो गाइस अभी शाम हो चुकी है और अभी हम अपने इधर मेरे पीछे साइड खेत है, थोड़ा आलू उलू लगाए हैं वही देखने आए थे, और ये आम का पेड़ भी है, क्योंकि हम तो अभी अकेले हैं, मेरा भाई चला गया तिलक करने तो मन नहीं लग रहा है, तो चुपचाप ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो गाइस हम अपने ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग पसंद आई होगी। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें।